टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। आपको बता दें कि 22 अगस्त से गणेश उत्सव का त्यौहार शुरू हो रहा है, जिसको लेकर महाराष्ट्र सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। गणेश आगमन से लेकर गणेश विसर्जन तक हर तरीके से दिशा निर्देश सरकार ने जारी किए हैं। हम ठाणे महानगर पालिका के कमिश्नर विपिन शर्मा ने क्या दिशा निर्देश बताया है, हम आपको वो भी सुनाएंगे। लेकिन एक बात और आपको बता दें कि इस कोरोना काल में जिस तरह से, चाहे वो रमज़ान का महीना हो, चाहे वो ईद हो, या फिर बकरा ईद का त्यौहार हो, या फिर जन्माष्टमी का त्यौहार हो, सरकार द्वारा जिस तरह से गाइडलाइन जारी की गई उसका पालन करते हुए लोगों ने इस त्यौहार को मनाया है। और अब 22 अगस्त से गणेशोत्सव का त्यौहार शुरू हो रहा है। इसी में जिस तरह से सरकार ने गणेशोत्सव त्यौहार मनाने के लिए जो दिशा निर्देश जारी किए हैं, उसके क्या क्या नियम हैं और इस त्यौहार को मनाने के लिए, विसर्जन करने के लिए, गणेश आगमन के लिए किस तरह के सरकार ने नियम जारी किए हैं, ठाणे महानगर पालिका के कमिश्नर विपिन शर्मा ने इसकी पूरी जानकारी दी है और आप इसे ध्यान से सुनिए। देखिए, इस वर्ष की परिस्थिति पिछले वर्ष से अलग है। गणपति बप्पा 22 अगस्त से हमारे बीच आ रहे हैं। पूर्ण ठाणे नगरी महानगर पालिका प्रशासन गणपति बप्पा के स्वागत के लिए बिल्कुल तैयार है, पर ये कोरोना की परिस्थिति है। इस वर्ष हमको हर साल की तरह गणपति बप्पा का स्वागत उस पैमाने पर हम नहीं कर पाएंगे। महाराष्ट्र शासन ने इसके लिए कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं और उसी के आधार पर ठाणे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने भी कोरोना की पार्श्वभूमि में गणपति उत्सव कैसे मनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित वातावरण कैसे बना रहे, इसके लिए हमने गाइडलाइंस इशू की हैं। उसमें जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, अब की बार हम लोग किसी भी तरह के प्रोसेशन को अलाउ नहीं कर रहे हैं। गणपति आगमन और गणपति विसर्जन के समय ज़्यादा से ज़्यादा 3 लोग ही उसमें रहेंगे। इसके अलावा पर्यावरण पूरक गणपति उत्सव के लिए हमने पहले ही सर्वसामान्य ठाणेकरों से अपील की है। आज फिर आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहूँगा, गणपति बप्पा की मूर्ति से लेकर उनकी सजावट तक पर्यावरण पूरक रहे, इसके लिए हमें विशेष ध्यान देना होगा। अगर साधु की मूर्ति मिलती है तो घर में ही बाल्टी में विसर्जन करने के लिए हमने अपील की है। पीओपी की गणपति की मूर्ति है तो अमोनियम बाइकार्बोनेट के द्वारा घर में ही उसका विसर्जन करने का एक मानस है। इसके अलावा सार्वजनिक गणेश उत्सव के लिए हमने COVID-19 की पार्श्वभूमि में पूर्ण नियमावली इशू करी है। हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन में विसर्जन के लिए बाहर आने की अनुमति नहीं रहेगी। अब की बार हमने इस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए मूर्ति स्वीकारने के जो हमारे केंद्र हैं उसमें हमने वृद्धि की है। इस साल हम 20 जगह पे मूर्ति स्वीकारेंगे और 13 जगह पे हमने आर्टिफिशियल पॉन्ड्स बनाए हैं विसर्जन के लिए। और इस सब के मद्देनज़र डीजी थाने के माध्यम से गणेश विसर्जन बुकिंग, ये ऑप्शन हम सिटीजन्स को दे रहे हैं। इसमें क्या होगा कि उनके घर के पास एक पूरी लिस्ट आएगी, जो घर के पास सबसे पास में कृत्रिम तालाब हो या विसर्जन केंद्र हो, वहाँ पे वो विसर्जन के लिए टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं। उस टाइम स्लॉट पे वहाँ जाएंगे तो किसी तरह की भीड़ का सामना करना नहीं होगा। ठाणे महानगर पालिका प्रशासन को उसमें बहुत मदद होगी नागरिकों की तरफ से, और कोरोना की परिस्थिति से मात करने के लिए अत्यंत प्रभावी उपाय होगा। इसलिए मेरी सबसे अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन बुकिंग के द्वारा भीड़ से बचने के लिए आप गणपति विसर्जन का प्लानिंग करें। और इस साल हमको बहुत ही सुरक्षित पद्धति से गणेश उत्सव मनाना है। हमारे जो वरिष्ठ नागरिक हैं, गरोदर माताएं हैं, छोटे बच्चे हैं, जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है, उनका हमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। कोरोना कम हो गया है पर गया नहीं है, इसलिए हमको मास्क नहीं भूलना, हैंड सैनिटाइजेशन नहीं भूलना, सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल नहीं भूलना, बिना कारण भीड़ में जाना नहीं, हमारे कारण भीड़ हो ऐसा हमें कुछ करना नहीं, क्योंकि हम कोरोना से परेशान हैं पर कोरोना हमसे अभी भी परेशान नहीं है। इस सब के मद्देनज़र गणपति बप्पा के चरणों में हमारी यही प्रार्थना है कि ठाणे महानगर पालिका प्रशासन को गणपति बप्पा आशीर्वाद दें, सारे ठाणेकरों को आशीर्वाद दें, जिससे हम सब मिलकर कोरोना जैसी भयानक बीमारी को मात कर सकें और आनंद से गणपति उत्सव साजरा कर सकें। और अगले वर्ष से हमारी यही प्रार्थना होगी कि हम नॉर्मल वर्ष की तरह गणपति उत्सव मनाएं और कोरोना हमारे बीच ना रहे। गणपति बप्पा मौर्या।